अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सौर बेटा, ऐसा कर, मंदिर जाकर शिव और पार्वती के कपड़े लेकर आ जा। जा। जी पापा। नहीं समझ। सॉरी पापा, मैं शिव जी नहीं बनूंगा। ये तो क्या कह रहा है नार? ऑफिस के एम्प्लॉय ने इतने प्यार से सुझाव दिया है और ऑफिस के सभी एम्प्लॉय शिव और पार्वती के रूप में आएंगे और उनका मालिक नहीं आएगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। देख प्लीज ना मत करना। सॉरी दादी, मैं पेपर साइन करने नहीं आ रही हूँ। आप घर पर ही भिजवा दीजिए और वैसे भी मेरा कोई मन नहीं है उस घर में वापस आने का। और बार बार आप फोन मत कीजिए। I'm sorry पापा, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। मुझे बहुत सारा काम है और आप सबको तो पता ही है मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सॉरी पापा। सॉरी रूही, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। कल सब पति पत्नी शिव पार्वती बनेंगे, तुम अकेले ही रह जाओगी। तुम्हारे शिव ने तुम्हें अपनाने से ही मना कर दिया, तुम्हें अकेले छोड़ के चला गया। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कभी नहीं मानेगा। अग्नि, मैं अपने शिव जी के रू रू से वाकिफ तो हुई। मुझे पूरा यकीन है कि कल मेरे शिव जी अपनी पार्वती के साथ पूजा में जरूर आएंगे। रोटना मनाना तो पति पत्नी के रिश्ते की नींव है और इसी से तो रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ता है। तुम फिक्र मत करो, कल मैं और नाहर जी पूजा में शिव जी और पार्वती माँ के रूप में ही शामिल होंगे। हर हर महादेव। रतन, अपने घर की परंपरा रही है कि शिवलिंग घर का बड़ा बेटा और बहू बनाते हैं और तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद तुमने और सोनी ने ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। मुझे बहुत गर्व है तुम दोनों पर। सोनी जी। जी। सब लोग पूजा के लिए तैयार होके आ चुके हैं पर नार का कुछ पता ही नहीं है, अभी तक नहीं आया। रतन जी, आपको तो पता है ना उसका इन चीजों में मन नहीं लगता। क्या पता वो त्योहार के लिए तैयार हो रहा हो। खैर छोड़िए, अब हमें भी बाकी के काम में लग जाना चाहिए। अभी पूजा के लिए पंडित जी और ऑफिस के सभी लोग आ जाएंगे। मैं भोग की तैयारी करती हूँ। मैंने बाहर चूल्हे पर भोग के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया है। आंटी, मैं मेहमानों के लिए शरबत बना के रख दूंगी। ठीक है। माँ, मैं रूही के घर वालों को पूजा के लिए फोन करके बुला लेता हूँ। अरे, उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? वैसे भी अब तक रूही को हमने माफ नहीं किया है, उन्हें बुलाकर उन्हें क्यों झेले? माँ, रिश्तों के मनमुटाव को मिटाने के लिए त्योहार से अच्छे मौके नहीं होते। माँ, आप नाराज मत होइए प्लीज। जी।
समर। जी माँ। ये लो बेटा, शिव जी का वस्त्र पहन लेना। माँ प्लीज आप मुझे शिव मत बनवाओ, आप नार भैया को बनवा दो ना। ऐसे कैसे बेटा, मैंने मन्नत मांगी है कि आज तुझे तेरी पार्वती मिल जाएगी। आंटी ये तो अभी से पार्वती के सपने देख रहा है। रूही, ये तुम्हारे और नाहार के लिए, कोशिश करना कि नाहार को मना पाओ और वो शिव बनकर पूजा में शामिल हो जाए। अब आंटी मुझे लगता है कि आपको ये कपड़े रोमिल जी और अवनी को दे देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि नाहर शिव बनेगा। अग्नि, ये पति पत्नी के बीच की बात है, तो ये हमें ही सुलझाने दो। मम्मी जी, मैं नाहर जी को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। नाहर तो शिव बनने से रहा, और अगर उसका मन बदल भी गया तो मैं उसे शिव बनकर आने नहीं दूंगी। सोनी। जी माँ जी। तुमने समर को शिव तो बना दिया, कहीं उसने अपनी पार्वती खुद तो पसंद नहीं कर ली, या फिर तुम दोबारा रूही के जैसे ही कोई बहू लाना चाहती हो? नहीं नहीं माँ जी, एक बार गलती हो गई है, दोबारा नहीं करूंगी। माँ जी, और रतन जी के बिजनेस पार्टनर की बेटी आ रही है आज, मैंने उसकी फोटो देखी है, बहुत सुंदर है, आप भी आज एक बार देख लीजिएगा। अगर आपकी हाँ होगी तो मैं समर की बात आगे चलाऊंगी। ठीक है, लेकिन याद रखना आखिरी फैसला मेरा होगा। बिल्कुल माँ जी। उसके पीछे नहीं जाएगी। देखा नहीं, वो हम सबके मुंह में थूक के चली गई यहाँ से। कुछ भी करके हम तो चली गई, लेकिन कारण कुछ और है। वो कारण हमें पता लगाना कि क्या। हमने सबके साथ अपनी शादी का ऐलान करके अपना वादा पूरा किया, और अब तुम अपना वादा निभाओगे। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। जी, आप त्योहार के दिन भी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, मैंने कहा था ना मुझे काम है, मैं शिव नहीं बनूंगा। नाहर जी, आप शिव मत बनिएगा, पर आप पूजा में तो शामिल हो ही सकते हैं ना, मम्मी जी और पापा जी को अच्छा लगेगा। प्लीज रोही, प्लीज मुझे फिर से परिवार की दुहाई देकर पूजा में रोकने की कोशिश मत करो, मुझे बहुत काम है। जी, शिव और शक्ति इस संसार के रचयिता है, उनका हर जोड़े में पास है, उन्होंने जिसकी तकदीर जिसके साथ भी लिखी है वो कभी जुदा नहीं हो सकते। जिनके प्यार की उम्र उनकी सियाही से लिखी गई हो, उनका साथ आखिरी सांस तक होता है। न
नाहर जी, आप मेरे शिव हैं और मैं आपकी शक्ति। शिव और शक्ति एक दूसरे से नाराज जरूर हो सकते हैं, लेकिन अलग नहीं, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। शिव अगर सागर है तो शक्ति नदी, और हम दोनों का मिलना तो मुकद्दर में ही लिखा है। नाहर्जी, आपको अगर जाना है तो आप जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। लेकिन जैसे शक्ति ने अपने शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, ऐसे आपकी नाराजगी दूर करने के लिए मैं भी कड़ा प्रयास करूंगी। सॉरी दादी, मैं पेपर साइन करने नहीं आ रही हूँ, आप घर पर ही भिजवा दीजिए। और वैसे भी मेरा कोई मन नहीं है उस घर में वापस आने का, और बार बार आप फोन मत कीजिए। रूही प्लीज, ये पूजा तपस्या का ढोंग मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि सच क्या है। और सच ये है कि तुम घर वापस ही नहीं आना चाहती थी, इसलिए प्लीज ये ढोंग मत करो। प्लीज नाहर जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं घर वापस नहीं आना चाहती थी? आपकी ये गलत फहमी मैं कैसे दूर करूं? रूही को डाइवोर्स पेपर के बारे में नहीं पता है। अच्छा है, अभी तो नाहर चला गया, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है कब उसका मन पलट जाए। इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा, मुझे उसके शिव बनने का रास्ता ही बंद करना होगा, ताकि वो रूही के साथ पूजा में शामिल ही ना हो पाए। मलिष्का बेटा, इधर आओ। आप अपने हाथों से आरती कीजिए। जी मैं जी आओ। पहले तो हमेशा खुद ही आगे रहती थी, और अब भाग भाग कर मुझे आगे कर रही है। क्या हुआ, पकड़िए ना थाल। हाँ जी, पिंकू जाओ सर, मलिष्का जी की थाली पकड़ ले, कहीं अगर उनसे थाली गिर गिरा गई तो बेकार में आरती की थाली है ना। दादी वो कर लेंगी खुद। ऐसे कैसे कर लेंगी, उन्हें आदत थोड़ी है, ये सब कुछ नया है उनके लिए। जा मदद कर दे उनकी। पूनम हर साल की तरह आप ही कर लीजिए ना, बच्चों को क्यों परेशान कर रही हैं? प्रतीक के पापा, बच्चों को बोलना पड़ता है, अगर बोलेंगे नहीं तो बच्चे सीखेंगे कैसे? और फिर पूजा पाठ इसीलिए बच्चों से करवाते रहना चाहिए। चल क्या सोच रहा तू, पक्का कर जा। जा जा जा, कर ले कर।
आज मलिष्का के रूप में पिंकू जी के साथ पूजा कर रही हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि एक दिन अपने असली रूप में पिंकू जी के साथ ऐसे ही आपकी आरती कर सकूँ और दोबारा पिंकू जी के दिल में अपनी जगह बना पाऊँ और दादी जी ने जो डिवोर्स के पेपर भेजे हैं उसके बारे में भी पता लगा पाऊँ। बेटा घर में पूजा है ना, तो ऑफिस क्यों जा रहा है? पापा मैंने पहले ही कहा था ना, मैं इस पूजा का हिस्सा नहीं बन सकता, मेरी एक जरूरी मीटिंग है और मैं इसे मिस नहीं कर सकता। लेकिन बेटा पूजा भी तो जरूरी है ना, माना के तो शिव नहीं बनना चाहता है, कम से कम ऑफिस के लोगों के साथ ये त्योहार तो मना ले, कम से कम थोड़ी देरी सही पूजा में तो शामिल हो। आई एम रियली सॉरी पर ये मीटिंग पहले से ही फिक्स थी, मैं इसे मिस नहीं कर सकता पापा, प्लीज समझिए। मैं चलता हूँ पापा। नहार बेटा। छोटी माँ मुझे शिव नहीं बनना। जानती हूँ तुम्हें शिव नहीं बनना बेटा, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अब जब तुम ऑफिस जा ही रहे हो तो रास्ते में शिव जी के मंदिर में पंडित जी को ये श्रृंगार दे देना। एक्चुअली छोटी माँ मुझे लेट हो रहा है, आप एक काम करिए, आप समर को दे दीजिए, वो दे आएगा। नाहर बेटा घर की पूजा में तुम शामिल नहीं हो रहे हो, कम से कम पूजा का इतना काम तो कर ही सकते हो ना, बस 5 मिनट लगेंगे, दे देना। बेटा आज पता नहीं कौन सी जरूरी मीटिंग है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता। आपको भी नहीं पता? रतन बेटा तुम शायद समझ नहीं पा रहे हो लेकिन मुझे सब साफ साफ दिख रहा है, नाहर रूही के साथ शिव बनकर पूजा में बैठना ही नहीं चाहता, या फिर यूं कहूं कि वो इसके साथ रहना ही नहीं चाहता। हम सब यहाँ घर में शिवरात्रि बनाएंगे और इस रूही के चक्कर में मेरा बेचारा नाहर घर से बाहर रहेगा, पता नहीं ये लड़की घर वापस आई ही क्यों है। मैं प्रसाद की तैयारी कर लेती हूँ। नहर वापस आ भी गया तो भी शिव नहीं बन पाएगा, शिव के बिना शक्ति अधूरी है ना रूही, अब तुम पार्वती के कप में अधूरी ही घूमो अपने शिव के इंतजार में, क्योंकि वो तो आने वाला ही नहीं है। बोलो उमापति महादेव की जय। अरे आरती भी संपन्न हो गई, जूही कहाँ रह गई? ये लो जूही। आ गई मेरी जूही रानी। हो जय हो जय हो, बड़ी जल्दी तैयार हो गई है, अपनी बहन के ससुराल जाने की बहुत जल्दी है और वो भी पार्वती के रूप में। नहीं नहीं दादी, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है की सास की शक्ल देखने का। वो मेरे कॉलेज में ना ड्रामा है शिव पार्वती का, तो मैं उसमें पार्वती बनी हूँ, वहीं जा रही हूँ, अब जाती हूँ, बाय। अरे सुन, तू रूही से नहीं मिलेगी, अपनी बहन से नहीं मिलेगी, और फिर उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? चल मेरे साथ। अरे दादी क्या सोचेंगे, जो सोचना है सोच ले, और वैसे भी रूही से तुम्हें बाद में मिल ही सकती हूँ ना, और मुझे बहुत लेट हो रहा है दादी, मैं चलती हूँ, बाय 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 बाय। अरे जूही
बात। अरे पूनम, पूनम जाने दीजिए उसे, वो वहाँ के क्या करेगी। जूही कश्यप यानी समर रूही के घर में है और ये जूही बाहर पार्वती बनी फिर रही है। कैसे मिलाऊं समर और जूही को। शिवजी के कपड़े खराब हो गए, कहीं ये भगवान का कोई इशारा तो नहीं है ना। ये नाहर जी शिवजी बनकर नहीं आएंगे। पर ये पूरी ढक्कन खुल कैसे गया। ये ढक्कन थाल के बाहर कैसे आई। इससे तो एक बात साफ है, ये आरती की बोतल किसी ने जानबूझकर गिराई है, अपने आप नहीं गिरी है। और ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, अग्नि। नाहर जी ने भले ही शिवजी बनने से इनकार कर दिया हो, लेकिन मेरा विश्वास अभी भी अटल है। जैसे माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी, सदियों तक उनका इंतजार किया था, वैसे मैं भी पार्वती के रूप में अपने शिव जी का इंतजार करूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे शिव जी जरूर आएंगे।